21वीं शताब्दी का यह तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। विंश शताब्दीर तृतीय दशक उत्तराखंड, उत्तराखंड डबल इंजिन सरकार को डबल प्रयास चारिआड़े प्रतिफलित। उत्तराखंड पूंजी निवेश पाई द्वार खोला। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट रे मोदी को बड़ आह्वान, कहिले एबे भारतर समय, आसंता किछि वर्षरे विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति हेबाकु जाउछि भारत, आउ एभली समय रे उत्तराखंड विकास यात्रा रे शामिल हेबाकु निवेशक मानकु अपील करछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कहिछन्ति अपार संभावना थिबा राज्य उत्तराखंड, एठार थिबा डबल इंजिन सरकार को डबल प्रयास सबु दिगरु प्रतिफलित, जहाँ देखिए भारत सरकार एकविंश शताब्दीर अत्याधुनिक कनेक्टिविटी एवं इनफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करछन्ति। से समय बेसी दूर नुहे जेबे दिल्ली रु डेराडून मात्र अढ़ई घंटार यात्रा हेबो। संयोगीकरण द्वारा लोकों जीवन और व्यापार सहज साध्य होती मोदी। उत्तराखंड डिग्निटी एवं डेवलपमेंट दुईट जाकर अनुभव एका संगे करहुतबा कहिछन्ति मोदी। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। देश में आत्मविश्वास भरा प्रेरणा पाई उत्साहित होवार समय। विकसित भारत गठन करिबा दायित्व समस्तंकर हेबा उचित। उत्तराखंड मध्यवित्त एक बड़ मार्केट सृष्टि करि पारछन्ति। उत्तराखंड स्थानीय उत्पाद को विदेश रे बिक्री रो व्यवस्था प्रशंसनीय, याकु वोकल फॉर लोकल को बड़ शक्ति देउछि। टूरिज्म क्षेत्र रे उत्तराखंड एक ब्रांड भाबे उभायतवा कहिछन्ति मोदी। खेती हो या फिर टूरिज्म, हर सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खुल रही। लॉजिस्टिक्स हो, स्टोरेज हो, टूर ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी हो, इसके लिए यहां नए रास्ते बन रहे हैं। और ये हर नया रास्ता हर इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। उत्तराखंड पतंजलि पक्षर हे 10,000 कोटी निवेश। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रे घोषणा करछन्ति जोगगुरु स्वामी रामदेव। यहाँ एबे सुधा उत्तराखंड सबुठ बड़ निवेश बोली कहिछन्ति रामदेव। यहाँ से अन्य कॉर्पोरेट हाउस को निवेश पई आह्वान करथले रामदेव। गत 5 वर्ष रे उत्तराखंड अप्रत्याशित भाबे परिवर्तन आस्थिबा कहिछन्ति आदानी एंटरप्राइजेस रो निर्देशक प्रणव आदानी। उत्तराखंड नेचुरल गैस उपलब्ध कराइबो आदानी ग्रुप। 200 सीएनजी बस, 1700 कोटी अंबुजा सीमेंट संप्रसारण एवं ऋषिकेश और डेराडून मध्ये 1400 कोटी टंका ग्राइंडिंग यूनिट खर्च ने घोषणा करछन्ति प्रणव आदानी। उत्तराखंड रे निवेश सुरक्षित बोली कहिछन्ति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मैं प्रधानमंत्री जी के सामने जितना अभी तक हमने उत्तराखंड में निवेश किया और यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया, आगे भी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश और 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार पतंजलि देगा, ये आपके सामने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व, बहुतों को ईर्ष्या होती है, लेकिन ये व्यक्तित्व अर्जित करने के लिए उन्होंने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। करेंटली अवर प्रेजेंस इन उत्तराखंड स्पैन्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। थ्रू IOAGPL अवर जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन ऑयल एंड अदानी टोटल गैस, वी आर प्रोवाइडिंग नेचुरल गैस टू ऑल कंज्यूमर सेगमेंट्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल। ऑल्सो टू फैसिलिटेट द ट्रांजिशन टू हैव 15% नेचुरल गैस इन इंडियाज एनर्जी मिक्स बाई 2030, वी प्रपोज टू कन्वर्ट 200 स्टेट बसेस टू एनवायरमेंटली फ्रेंडली CNG बसेस, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कीपिंग उत्तराखंड द वे इट इज नाउ, ग्रीन एंड क्लीन। हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास सामर्थ्य है और यही विश्वास हम अपने निवेशकों को भी दिलाते हैं। भाइयों बहनों,
एक ओर डबल इंजन का मजबूत इरादा, दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा हुआ उत्तराखंड, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन शायद ही कहीं और मिले। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रे एबे सुद्धा 2,00,000 कोटी टंकार निवेश प्रस्ताव आसछि। आगकु ए निवेश आहुरी बढ़िबो बोली आशा रखिछन्ति उत्तराखंड सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।